सो हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अच्छे हाउस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपने पास में हमारी वेबसाइट देख सकते हो, जिसके ऊपर काफ़ी सारे हाउस प्लान आपको मिल जाएंगे जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। और अगर आप पेड सर्विस भी लेना चाहो तो नीचे दिए गए नंबर से पेड सर्विस भी ले सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए निक्सेल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, माय नेम इज सिलेंसी सोलंकी और आज मैं आपको 20x40 के प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। इसका फ्रंट टेलीविजन हमने काफी खूबसूरत डिजाइन करा और इस छोटे से वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ प्लान के बारे में, 3D फ्लोर के प्लान में और फ्रंट एलिवेशन के बारे में। तो फ्रंट एलिवेशन के हमने 3 ऑप्शन दिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी खूबसूरत हमने यहाँ पे 3 फ्रंट एलिवेशन के ऑप्शन बनाया है फ्रेंड। और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर भी हमने काफी अच्छे से फ्रेंड डिजाइन करा है यहाँ पर। इसका 2D प्लान भी काफी अच्छा है और 3D प्लान भी काफी अच्छा हमने यहाँ पर डिजाइन करा फ्रेंड। तो सबसे पहले अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे आपको क्या क्या मिल रहा है, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक पार्किंग मिल रहा है, हॉल मिल रहा है, टॉयलेट मिल रहा है और एक वॉश एरिया मिल रहा है और एक बेडरूम के अंदर ड्रेसिंग और एट्री टॉयलेट मिल रहा है और किचन के साथ स्टोर एरिया और एक वॉश एरिया मिल रहा है, जहाँ पर पास में ओपन टू स्काई रहेगा जो कि वॉश एरिया में रोशनी के काम आ सकेगा, जहाँ पे टॉयलेट को और स्टोर रूम को किचन को प्रॉपर वेंटिलेशन मिल पाएगा फ्रेंड। सो फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, फर्स्ट फ्लोर पर आपको क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले एक बालकनी मिल रही है, हॉल हॉल मिल रहा है, किचन मिल रहा है, उसके पास में स्टोर रूम मिल रहा है, उसके बाद में एक OTS मिल रहा है आपको ओपन टू स्काई वेंटिलेशन के लिए, उसके पास में आपको मिल रहा है वॉश एरिया और एक कॉमन टॉयलेट मिल रहा है। सो सबसे लास्ट में आपको एक बेडरूम मिल रहा है जिसमें अटैच ड्रेसिंग और टॉयलेट है फ्रेंड। सो सबसे पहले अगर हम ग्राउंड फ्लोर के मेजरमेंट की बात करें कि आपको कितने बाई कितने का क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको 11x6 का बड़ा पार्किंग मिल रहा है जिसमें पास में ऊपर जाने के लिए हमने स्टेयर दे रखी है, उसके बाद एक बीच में से डोर दे रखा है हॉल में जाने के लिए, जो हॉल आपको सबसे बड़ा मिल रहा है यहाँ पर 19x12 का काफी बड़ा हॉल है जिसमें आप जो किचन चाहो उसको ओपन रख सकते हो, हॉल से पैक करना चाहो तो पैक कर सकते हो, और जो किचन की साइज है वो 11x6 की, उसके पास में जो स्टोर रूम दे रखा है फ्रेंड हमने वो 4x6 का है, सबसे लास्ट में जो एरिया मिल रहा है आपको यूटिलिटी एरिया जो है फ्रेंड वो 7.5x4 का, जिसमें ऊपर हमने OTS दे रखा है वेंटिलेशन के लिए, पास में जो कॉमन टॉयलेट मिल रहा है वो आपको 6x4 का मिल रहा है, सबसे लास्ट में जो बेडरूम मिल रहा है 15x10 का मिल रहा है जिसमें 4x3.5 का ड्रेसिंग है और 4x6 का आपका अटैच टॉयलेट है फ्रेंड। सो फर्स्ट फ्लोर की अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो 11x6 की आपको बालकनी मिल रही है, काफी बड़ी यहाँ पर हमने बालकनी बनाई है फ्रेंड। उसके बाद जो हॉल आप देख रहे हैं वो फ्रेंड 19.5x12 का है, उसके बाद जो किचन है वो 11x6 का है, पास में स्टोर रूम जो है वो 4x6 का है, उसके बाद में आपको एक OTS मिल रहा है ओपन टू स्काई वो 4x4 का, उसके पास में वॉश एरिया जो दिया है वो 3.5x4 का है, जिसके पास में आप देख सकते हो तो कॉमन टॉयलेट है वो 6x4 का है, सबसे लास्ट में आपको जो बेडरूम मिल रहा है वो 15x10 का बेडरूम है, उसमें जो ड्रेसिंग मिल रहा है आपको 4x3.5 का मिल रहा है और जो आपको अटैच टॉयलेट मिल रहा है वो 4x6 का मिल रहा है। तो ओवरऑल ये प्लान काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, आप पास में देख सकते हैं इस प्लान को काफ़ी अच्छे से हमने बनाया है फ्रेंड। और आप अगर इस मैप को यहाँ पर हाई क्वालिटी में नहीं देख पा रहे तो हमने इस वीडियो के लिए एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पर ये सारे प्लान आप अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं।